हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त रितु, और आज मेरे घर में मेरी नीज आई हुई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो अब कोई आया तो थोड़ा जल्दी उठना तो बनता है। वैसे भी अब स्कूल खुल जाएंगे तो रोज़ डेली जल्दी उठना ही पड़ेगा। उसके लिए बनाऊंगी करेले की सब्जी, क्योंकि उसकी फेवरेट है करेले की सब्जी। और आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट में करेले की सब्जी, लेकिन मैंने भी उसको ये बोला था कि लंच में खा लेंगे, बट वो बहुत इंसिस्ट कर रही है मुझे कि नहीं 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 अभी बनाओ। तो ऑन डिमांड मैं ब्रेकफास्ट में करेले की सब्जी बना रही हूँ, और बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। जिन लोगों को करेला पसंद नहीं है, मतलब उनको सुन के ही लग रहा होगा, लेकिन गाइस करेला हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमें तो पसंद है। मुझे तो करेले की कैसी भी सब्जी बना के दे दो अच्छी लगती है, लेकिन मैं अच्छी बनाऊंगी। तो ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने तेल डाला, और ये प्याज मैंने बहुत सारे, क्योंकि करेले में प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये मैंने प्याज डाल दिए बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत बारीक काटे हुए हैं ये प्याज। और प्याज डाल दिए मैंने, और ये देखिए अब, तो ये देखिए गाइस, मैंने प्याज पूरे अच्छी तरीके से भून लिए हैं और ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे करेले। रात को छत पे खा रहे, तो ये देखिए गाइस, अब मैं करेले भून रही हूँ। मैंने थोड़े से लंबे लंबे काटे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी करेले गल जाते हैं गाई, और प्याज भी बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिए मैंने, क्योंकि करेले में थोड़ा सा, मतलब जब तक करारापन ना हो तो अच्छे नहीं लगते करेले। अब इसको हम थोड़े देर प्याज के संग, क्योंकि थोड़ा सा करेले में ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसको हम थोड़ी देर प्याज के संग ही फ्राई करेंगे। सबसे पहले देखिए नमक डालेंगे हम। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करेले हैं तो ज़्यादा नमक डालना है। पर अगर आपको कड़वापन निकालना है करेले का, तो जब आप धोते हो तो उसके बाद उसमें नमक डाल के उसको छोड़ दीजिए और दोबारा धो लीजिए, तो थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं डालती हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे टेस्टलेस लगती है सब्जी फिर अगर पहले उसको नमक डाल के रख दो तो, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि ग्रीन वेज में कम ही, जो भी ग्रीन वेज होती है उसमें कम ही हमें हल्दी डालनी पड़ती है। और अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हो तो आप लोग, मतलब इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो। और लाल मिर्च वैसे मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मैं मिर्ची यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, हम लोग बिल्कुल मिर्च वाला खाना नहीं खाते हैं। बट आज मेरी नीज आई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से मैंने इसमें रेड चिली डाल दी है। लेकिन अगर आप लोग भी नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो, उससे कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको कवर कर दिया है और हम इसे सिम पे थोड़ी देर रखेंगे। तो गाइस चलिए, मैं तब तक नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं उसके लिए पराठा। गाइस ये देखिए, करेले की सब्जी रेडी है। लच्छा पराठा बनाया मैंने उसके साथ, और थोड़ी सी मैंने चटनी बनाई है। तो अब ये अपनी इसको मैं देती हूँ, अब देखती हूँ उसे पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। ठीक है, खा के बताना कैसा बनाया। लच्छा पराठा बनाया मैंने, अच्छे आ रहे हैं। अच्छी आ रही खुशबू। चल खा के बता फिर कैसा लगा। मैं अपने, तू चाय पिएगी? हाँ बिल्कुल। हैं, चल फिर मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर करो। फिर से आपसे जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।